वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। हॉस्पिटल में तो मर्जी हो, क्या मामला है ये? आराम से रो नहीं। थानाध्यक्ष द्वारा सभी महिला कॉन्स्टेबल को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। किसी में इतनी हिम्मत तो है नहीं थी कि मैं कुछ करे। मुझे इसी की वजह से हमने जो किया, इसने मुझे कुछ बोला है, मैंने बोला इसे मगर सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इतना आगे रपट निकाल दी हमारे, मगर सर हमें पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे मगर सबको होती है, कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मगर सर अगर इतना टॉर्चर करोगे तो मैं तो सुसाइड कर लूँ, कह रहा कर लो, मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो ऐसी शिकायत आपने उच्चाधिकार में की अपने या नहीं? ऐसा कितने समय से भैया परेशान कर रही है? अब क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसे सही से सबक मिल जाए, कभी किसी महिला को कॉन्स्टेबल को भैया से टॉर्चर ना करे, बस ये। इसी वजह से सारी महिला कॉन्स्टेबल परेशान है पिछले एक महीने से। अच्छा, आज जो आपकी जो स्थिति है इसके जिम्मेदार कौन है? ओनली ओन थाना अध्यक्ष और कोई नहीं है। क्या नाम है थाना अध्यक्ष? राजेश कुमार मीना, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है। ना ही मैं अपनी फैमिली से परेशान हूँ, ना ही मैं किसी से परेशान हूँ। मेरी अभी नई शादी हुई है, मेरे घर वाले मुझे नौकरी छुड़वा देंगे, अगर पता चल जाएगा तो इन्हें और बता देंगे सही से। क्या आपने कुछ सुसाइड नोट वगैरह में लिखा था? हाँ, मैंने लिख के ग्रुप में डाल रखा है, जो चीज जो भी कर रही हूँ मैं थाना अध्यक्ष की वजह से कर रही हूँ और किसी की वजह से नहीं कर रही हूँ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।